रेवोल्यूशनस एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हमने जो भी रेवोल्यूशनस के बारे में पढ़ा है या समझा है कि रेवोल्यूशनस कब आते हैं जब लोग मुतमिन नहीं होते अपने निज़ाम से एंड स्पेसिफिकली विथ कॉन्टेक्स ऑफ देयर पोलिटिकल एफिलियशंस टू वर्ड्स दिसटम एंड लीडरशिप तो क्या रेवोल्यूशन एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हैं वर देव सम लिंक किसी ख़ास सिस्टम के बारे में शिकायत होती है या किसी भी निज़ाम से अगर लोग मतम नहीं होंगे तो वो रेवोलूशनस की तरफ जा सकते हैं या एहत कर सकते हैं द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ कंट्रास्टिंग मोड्स ऑफ गवर्नेंस रिफ्लेक्ट्स दिस डाइवर्सिटी ऑफ थियोरेटिकल परस्पेक्टिव हिस्टोरिकली बिकॉज द लेवल ऑफ पार्टिसपेशन लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़

एवोल्यूशन ऑफ हाईकीस बोथ कारपोरेट एंड गवर्नमेंटल लिटरेचर में जो मजे की बात है लिटरेचर के अंदर जो इंटरेस्टिंग डिबेट है रिगार्डिंग दिस टॉपिक उसमें यह है कि जहाँ भी लोग निज़ाम से उसका ताल्लुक नहीं है जहाँ लोगों की रिप्रेजेंटेशन लोगों का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन अप्रोप्रिएट नहीं होगा डेफिनेटली मूव टूवर्ड्स द प्रोटेस्ट सो पोलिटिकल सिस्टम दर द यूज़ ऑफ फोर्स वदर रिलेटेड टू द डिबेट ऑफ रेवोल्यूशनस ये आम तौर पर uh, जो सिचुएशन है वैन देर इज़ अ क्राइसिस क्राइसिस ऑन द बेस ऑफ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ द नेचर अब वो नेचर क्या होगी क्राइसिस कैसे लिंक होगा गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस अगर अप्रोप्रिएट नहीं है चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो अगर वहाँ लोग अपनी रिप्रेजेंटेशन के लेवल से सेटिसफाइड नहीं है हकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही है तो देन डेफिनेटली लोग क्या करेंगे वो पॉलिटिकल ऑर्डर को चैलेंज करेंगे अब पॉलिटिकल ऑर्डर जब चैलेंज होगा वट एवर सिस्टम इज़ उसका नाम कोई भी हो तो सिस्टम के अंदर सिस्टम के ऊपर जो प्रेशर बिल्ड होगा और सिस्टम में अगर ये कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उस प्रेशर को फेस कर सके या ऐसा मेकनिज़म नहीं है तो फिर डेफिनेटली जो चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा राइज करते हैं हमने मिडल ईस्ट के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर देखा कि सिस्टम के ख़िलाफ़ लोग उठ खड़े हुए और बज़ाहिर बहुत छोटी सी बात से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ लेकिन अल्टीमेटली वो इतना बढ़ा कि हुकूमतें जो हैं उनको भी टॉपल डाउन कर दिया गया लेकिन यहाँ ये यह बात इम्पॉर्टेंट है और जो बात बहुत ज़्यादा समझने की है कि आज कल की दुनिया के अंदर कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम जो अपने लोगों के प्रॉब्लम्स को सुनेगा उसको सेटल डाउन करने के लिए कोई फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की दुनिया के अंदर जो लिजिटमेसी है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रिप्रेजेंटेटिव मेकनिज़म के साथ लिंक नहीं है बल्कि जो लजिटमेसी है वो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क के अंदर अब ऐसे ऑपरेट करती है जहाँ पर के अगर लोगों को सिस्टम डिलीवर करेगा यानी दो इलेक्शंस हैं अगर बाकायदा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है तो लाइफ बिटवीन द इलेक्शंस दैट मैटर्स अ लॉट एक इलेक्शंस हुए पार्टीज ने कुछ वादे किए लीडरशिप ने वादे किए उन्होंने क्या डिलीवर किया टिल द नेक्स्ट इलेक्शंस अगर लोगों की ज़िंदगी में मिसबत तब्दीली नहीं आई तो फिर लोग कोई और ऑप्शनस को परसू करेंगे लेकिन अगर पीपल दे आर सेटिस्फाइड लाइफ बिटवीन द इलेक्शंस तो दिन उस ड्यू टू दैट स्टैंडर्ड ऑफ़ गवर्नेंस लोग जो हैं वो उन्हीं लोगों को साथ लेकर चलना चाहेंगे तो जो रेवोल्यूशन हैं उनकी बुनियाद बनती है बुरी गवर्नेंस ठीक है और अगर गवर्नेंस जो है वो अप्रोप्रिएट होगी तो लोग प्रोटेस्ट की बजाय गवर्नमेंट का साथ देने के लिए ज़्यादा मोबिलाइज़ होंगे